यस इंस्पेक्टर। सेठ विशंबरनाथ दीवान आप ही है ना? जी हाँ मैं हूँ। और अरुण नाथ दीवान? मेरा बेटा है। कहाँ है वो इस वक्त? घर में है। जरा बुलाइए उन्हें। क्यों, क्या बात है? मैंने कहा उन्हें बुलाइए आप। इंस्पेक्टर देखिए, ये कोई चोर उच्चकों का घर नहीं है और मेरा बेटा मुजरिम नहीं है। देखिए वो मुजरिम है या साहूकार, उसके आने के बाद आपको अभी पता लग जाएगा। अरुण, बेटा अरुण। हाँ बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। कहिए। आप गाड़ियों की डीलिंग करते हैं? जी हाँ। कल जिन दो गाड़ियों की आपने डीलिंग की है उसकी डिटेल यही है? जी हाँ यही है। यह बिजनेस आप कितने दिनों से कर रहे हैं? महीना दो महीना हो गया। इसका मतलब तब से लेकर आज तक आप इसी तरह की गाड़ियों की डीलिंग करते आए हैं? जी हाँ, मैं इंपोर्टेड गाड़ियों के अलावा और कार डीलिंग करता ही नहीं हूँ। मैं इंपोर्टेड गाड़ियों की नहीं, चोरी की गई गाड़ियों की बात कर रहा हूं। चोरी की गाड़ी मतलब? हाँ मिस्टर अरुण, जिन दो गाड़ियों की आपने कल डीलिंग की है वो चोरी की गई है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जिसका आपने कल सौदा कर लिया। ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है, आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। देखिए ये इल्जाम है या सच है इसका पता आपको पुलिस स्टेशन में चलकर होगा। आप चलिए मेरे साथ। ये गलत बात है इंस्पेक्टर, आप कैसे ले जा सकते हैं इसको, ये मुजरिम थोड़ी है। देखिए इसका फैसला अदालत करेगी, मेरा काम है रिपोर्ट पर एक्शन लेना। जो मेरा फर्ज है वो तो मैं निभाऊंगा ही। बेशक आप अपना फर्ज निभाइए, लेकिन पहले ये तो पता कर लीजिए कि आप किसके बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो चाहे मिनिस्टर हो या कमिश्नर, मुझे अपना फर्ज निभाने से मतलब है। या फर्ज नहीं निभा रहे हैं, जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए विशंबरनाथ जी, आप बीच में ना बोले तो अच्छा है। मैं एक कानून वाला हूं और मेरी नजर में यह आदमी एक मुजरिम है। इसके लिए प्लीज मिस्टर अरुण, आप मेरे साथ चलते हैं या मैं आपको जबरदस्ती लेके जाऊं? ठीक है चलिए। अरुण बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलिए अरुण, अरुण क्या हुआ बाबूजी? सुनिए बेटे, अरुण को पुलिस पकड़ कर लेकर गई। पुलिस पकड़ के ले गई? लेकिन किस लिए? पता नहीं, वो कह रहा था कि अरुण ने चोरी की गाड़ियों की डीलिंग की है, लेकिन ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं बाबूजी, अरुण भाई ऐसे नहीं कर सकते, जरूर पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हुई है। तो हमारे खानदान पर एक धब्बा है, दाग है, मोहल्ले वालों के सामने पुलिस अरुण को पकड़ कर ले जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। बाबूजी आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो सोच कि जब देवयानी को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी।